सुप्रिया सूले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद दुनेश्वर पेठी ईश्वर बालबुद्धे महिला आयोग सदस्य आभा पांडे सलील देशमुख प्रशांत पवार के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। सत्ता ने खोके लेने देने वाले आरोप प्रत्यारोप के दौरान सूले के लिए भीख मांगने जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ रांगा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। पेठे ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर गद्दारी कर बनी सरकार के मंत्री महिला के संबंध में अपमानजनक वक्तव्य करते हैं तो यह जिजाऊ अहिल्या देवी सावित्रीबाई फूले के महाराष्ट्र और महिलाओं का घोर अपमान है। अगर सत्ता ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें नागपुर में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। आंदोलन में जानबा मस्के, जावेद हबीब, रमन ठवकर, सतीश इटकेलवार, वर्षा शामकुले, नूतन रेवतकर, लक्ष्मी सावरकर, अब्दुल फारूकी, शैलेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।